नमस्कार दोस्तों, आपका श्रीराम क्लासेज यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है और मैं छगन सुथार। आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप राजस्थान की हिस्ट्री में, तो बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा, सबसे ज़्यादा जुड़िएगा और बताइएगा कमेंट करके। हाँ, महाराणा प्रताप आज हम पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप बहुत ही आनंददायक तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अपन देखते जाएंगे और महाराणा प्रताप की पूरी जो शौर्य गाथाएं हैं, कैसे कैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया और किस प्रकार महाराणा प्रताप की जिंदगी में संघर्ष रहे और चेतक का क्या योगदान रहा, तो मैं पूरे आपको बताऊंगा और आप सुनते रहिएगा और थम लगा करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है। और थोड़ा अपन आगे चलते हैं अब टॉपिक पर, महाराणा प्रताप शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के और 1597 तक मेवाड़ के शासक रहे। और मेवाड़ जो है ना, वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। आपको पता है सब प्राचीन है, तो इसका मतलब कौन सी हो गई, वो प्रथम रियासत हो गई। तो यानी मेवाड़ रियासत के महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के 1597 तक मेवाड़ के शासक रहे, बहुत ही वीर थे महाराणा प्रताप। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें महाराणा प्रताप के जन्म की, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। उस दिन था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, 9 मई 1540 के दिन हुआ था। महाराणा प्रताप का जो जन्म है ना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचेरी में। इतना ठीक है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का दिन था और कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो बुलंदी है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में पड़ता है। मेवाड़ रियासत का संकटकालीन अगर कोई राजधानी पूछे तो वो कुंभलगढ़ होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो बुलंदी है, बुलंदी का मतलब ऊंचाई, कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई पर सबसे एक दुर्ग बनाए जिसको आप लोग कटारगढ़ हम लोग कहते हैं। और कटारगढ़ जो थे ना, कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल है और इस बादल महल की जूनी कचेरी के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। तो आगे हम लोग चलते हैं। जन्म जो हुआ महाराणा प्रताप का, वो हुआ था 9 मई 1540। तारीख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिथि की अगर बात करें हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का दिन था और कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचेरी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। नेक्स्ट अपन लोग अगर चलें तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह जी थे। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था, उदय सिंह था। महाराणा प्रताप की अगर माता का नाम पूछा जाए तो जयवंता बाई, कौन सी बाई, जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता का अगर नाम पूछा जाए तो जयवंता बाई, और जयवंता बाई पाली के साथ सकखे राज सोनग्रा की बेटी थी, सोनग्रा चौहान थे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपन बात करें कि जयवंता बाई जो है महाराणा प्रताप की माता है, जयवंता बाई की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म जो था वो 9 मई 1540 को हुआ। जयवंता बाई जो थी पाली के शासक अखे राज सोनग्रा की क्या थी, बेटी थी। अब थोड़ी सी हम लोग आगे महाराणा प्रताप से संबंधित और बातें करें। महाराणा प्रताप के भाई का नाम शक्ति सिंह जी था। महाराणा प्रताप के जो भाई जी थे, भाई वो शक्ति सिंह जी थे। दोनों भाई जयवंता बाई के दो पुत्र थे, बड़े का नाम महाराणा प्रताप है और छोटे का नाम क्या है, शक्ति सिंह है। और इस प्रकार अपन लोग अगर देखें तो महाराणा प्रताप शक्ति सिंह के बड़े भाई थे और शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ेंगे और उसके बाद में महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध में इनको घोड़ा भी यही शक्ति सिंह देंगे। भाई का नाम क्या, शक्ति सिंह। आगे बात हम लोग अगर करें महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो अजब दे पमार, अजब, महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे जो थी ना, ये राम रख पंवार की बेटी थी।
राम रख पंवार की बेटी है। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजब दे था, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह जी और माता का नाम जयवंता बाई, भाई का नाम क्या है शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह जी प्रथम है। हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा, महाराणा प्रताप के जो पिताजी जो थे इनका नाम क्या है, उदय सिंह। उदय सिंह की दो रानियां थी, एक का नाम तो अपन बात करें कि जयवंता बाई था, एक का नाम क्या जयवंता बाई, और दूसरी रानी की अगर बात करें तो उनका नाम है धीरबाई भटियाणी, धीरबाई भटियाणी। दूसरी रानी का नाम क्या, धीरबाई भटियाणी। धीरबाई भटियाणी का एक पुत्र था, उसका नाम था जगमाल। और जयवंता बाई के अभी मैंने बताए दो पुत्र, बड़े का नाम तो क्या महाराणा प्रताप और छोटे का नाम क्या था शक्ति सिंह। महाराणा उदय सिंह जी जो थे ना, अपनी रानी धीरबाई भटियाणी से, जो भाटी शासकों की बेटी है, धीरबाई भटियाणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया था। इस बात का विशेष पहले सुनते रहिएगा आराम से, धीरबाई भटियाणी के पुत्र जगमाल को घोषित उत्तराधिकारी कर दिया, और उसके बाद में जो उदय सिंह जी तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1572 के दिन, बेहतर में होली का दिन था, 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा मृत्यु हो गई। तो उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो इसका मतलब उदय सिंह की मृत्यु के बाद में राजा कौन बनना चाहिए, जगमाल ही बनना चाहिए। पर हुआ क्या, उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार जो था वो गोगुंदा पड़ता है कहाँ, उदयपुर में। अंतिम संस्कार उदय सिंह का गोगुंदा में हुआ, तो वहां पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो भाई मौजूद थे, जगमाल वहां पर मौजूद नहीं था। क्योंकि राजपूतों में एक परंपरा थी पहले कि जो बेटा बाप की मृत्यु के बाद में जो बेटा राजा बनेगा ना, वो बाप की मृत्यु पर शामिल यानी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता था। इसलिए उत्तराधिकारी किसको घोषित कर रखा था, जगमाल को। तो अंतिम संस्कार में जगमाल उपस्थित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे उदय सिंह के बाद में राजा कौन बनने वाला था, जगमाल। उदय सिंह का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब दोनों भाई वहां पर मौजूद थे, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। उदय सिंह का जब गोगुंदा में अंतिम संस्कार हो रहा था तब यहाँ पर कुछ और लोग, बड़े लोग जो थे, जैसे अपन बात करें कृष्णदास चुड़ावत की बात करें, राम सिंह तंवर की बात करें, मैं बात बता देता हूं आपको, कृष्णदास चुड़ावत की बात करें हम लोग, अगर बात करें राम सिंह जी तंवर की बात करें हम, अगर बात करें राम रख पंवार की बात करें हम, बात करें अखे राज सोनगरा तो महाराणा प्रताप के नाना जी है, और राम रख पंवार महाराणा प्रताप के ससुर जी है। राम सिंह जी तंवर ग्वालियर के थे और कृष्णदास चुड़ावत जिन्होंने महाराणा प्रताप के आगे कटार बांधेंगे। तो ये इतने लोग जो थे ना, ये महाराणा उदय सिंह के जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के साथ में वहां पर अंतिम संस्कार में खड़े थे। इसलिए राम रख पंवार और अखे राज सोनगरा ने यह बात कहा, बोले राजा जगमाल नहीं बनना चाहिए, राजा कौन बनना चाहिए, महाराणा प्रताप बनना चाहिए। इसलिए राम रख पंवार, अखे राज सोनगरा, राम सिंह जी तंवर और इन सभी लोगों ने एक निश्चय लिया, बोले ठीक है जैसे ही महाराजा का अंतिम संस्कार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम महलों में जाकर के इस बात की सूचना देंगे धीरबाई भटियाणी को, बोले आपका बेटा जगमाल राजा नहीं बनेगा, राजा तो कौन बनेगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बनेगा। अब सुनिएगा आप अच्छी तरीके से, पहले ये लोग उदय सिंह का अंतिम संस्कार करके और महलों की तरफ बढ़े तो महलों की तरफ जाकर के और जगमाल को इस बात से रूबरू कराया, बोलो आप मेवाड़ के शासक नहीं बनेंगे, मेवाड़ के शासक कौन बनेंगे, महाराणा प्रताप बनेंगे। अब यहां एक लोगों के बहुत बड़ी कंफ्यूज है, कंफ्यूज इस बात को लेकर है कि जगमाल
जो उत्तराधिकारी बनना था तो जगमाल उत्तराधिकारी क्यों नहीं बना? जगमाल इसलिए नहीं बना क्योंकि अखे राज सोनगरा, राम सिंह जी तंवर, राम रख पंवार, कृष्णदास चुड़ावत, ये सभी लोगों ने इस बात का सुझाव दिया, बोले जगमाल शासक नहीं बनना चाहिए, शासक कौन बनेगा? महाराणा प्रताप बनेगा। तो जैसे ही उदय सिंह का अंतिम संस्कार करके और महलों की तरफ बढ़े, जगमाल को इस बात से कह दिया धीरभाई भटियाणी को, बोले आपका बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा तो महाराणा प्रताप बनेगा। इस बात से नाराज होकर के और जगमाल तो किसके दरबार में चला गया? अकबर के दरबार में चला गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जगमाल इस बात से रूठ करके और अकबर की शरण में चला गया। आगे एक दत्ताणी का युद्ध होगा 1583 में, तो दत्ताणी के युद्ध में 1583 में अकबर के तरफ से लड़ता हुआ जगमाल क्या हो जाएगा? वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। अब हमें कहानी किसकी पढ़नी है? महाराणा प्रताप की पढ़नी है। तो चलिए आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की अगर बात करें, पहली बात तो यह है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने कब? तो 1572 में बने। कब तक रहे थे? तो अपन कहेंगे 1597 तक रहे। उसके बाद में महाराणा प्रताप का अगर अपन पढ़ें राज्याभिषेक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस दिन हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ना, वो 28 फरवरी के दिन नहीं हुआ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होगा 1 मार्च के दिन। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ कहाँ? तो गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर। मैं आपको इस बात की जानकारी भी देता हूं कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक तो गोगुंदा में हुआ, 1 मार्च 1572 के दिन हुआ था। गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में। यहां महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो महाराणा प्रताप के जो कमर पर कटार जो बांधी गई, पहले कटार बांधते तो उत्तराधिकारी का एक चिन्ह होता था, कटार जो बांधी गई थी ना, यह कटार बांधी थी कृष्णदास चुड़ावत ने। किसने बांधी थी? कृष्णदास चुड़ावत ने। गोगुंदा में राज्याभिषेक होने के बाद मेवाड़ का प्रमुख जो दुर्ग था ना, वो कुंभलगढ़ दुर्ग था, इसलिए महाराणा प्रताप गोगुंदा में राज्याभिषेक होकर के और आगे फिर अपना राजसिंहासन जो प्रारंभ करते हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग से करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? राजसमंद। मेवाड़ राजाओं की अपन कह सकते संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़ दुर्ग थी। तो कृष्णदास चुड़ावत ने गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप के कटार बांधी थी। जैसे ही महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा से होकर के और कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ जब गए तो राजसिंहासन जहां वहां पर प्रारंभ किया, तब हमारे मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन वहां पर मौजूद थे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ दुर्ग में जहां से इन्होंने राज्याभिषेक प्रारंभ किया, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटार किसने बांधी? तो अपन कहेंगे राव चंद्रसेन ने बांधी थी। किसने बांधी? राव चंद्रसेन। मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा महाराणा प्रताप का संघर्ष रहा, वैसा ही संघर्ष मारवाड़ में किसका रहा? राव चंद्रसेन का। इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, भोला बिसरा राजा कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रतिद्वंदी शासक किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन आए थे अकबर के दरबार में, एक बार अकबर के दरबार में अधीनता स्वीकार करने के लिए आए थे ना, तब भरे दरबार में से वापस चंद्रसेन निकल गए थे, तब अकबर ने पीछे से पीठ पीछे कहा था भगवान ने इसको नूर तो बख्शा पर भाग्य नहीं बख्शा, स्मार्ट बहुत था राव चंद्रसेन। तो इसलिए महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक जो था ना, ये राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को कहाँ हुआ था? गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और यहाँ तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुड़ावत ने बांधी थी। यहाँ से फिर महाराणा प्रताप ने जो राज्याभिषेक प्रारंभ किया राजसिंहासन, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कटार किसने बांधी थी? राव चंद्रसेन ने बांधी। आगे हम लोग अब इस प्रकार की आगे बातें करते रहेंगे, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपको समझ में आ रहा है क्या? एकदम से मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। सरवन बिश्नोई दो बार, छोटी मेघवाल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 1578, रमेश कुमार यस यस, अंजु धायल यस, सीताराम भाकर यस, मामरा सिद्ध यस, रमेश कुमार प्रजापति कुंभलगढ़। हाँ, एक बार सभी को गुड मॉर्निंग मेरा, और एक बार थम लगा करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है क्या? अपन महाराणा प्रताप पढ़ने जा रहे हैं। ओके सर, यस यस सर, यस सर, राम राम गुरुदेव, राम राम, बिल्कुल राम राम। अब देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे ही मेवाड़ में राज्य सिंहासन प्रारंभ किया
तो राज्य सिंहासन जैसे ही महाराणा प्रताप ने प्रारंभ किया तो हम लोग देखेंगे कि इस बात से अकबर को कहीं ना कहीं इस बात से लगा, बोलो इसका पिताजी जो उदय सिंह जी जो थे वो मेरी अधीनता अगर स्वीकार नहीं कर पाए तो हो सकता है उनका बेटा महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इसलिए अकबर ने एक नागौर के अंदर दरबार लगाता है 1570 में, और इस नागौर दरबार के अंदर सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, पर मेवाड़ के शासक नहीं आए, क्योंकि उस समय मेवाड़ के जो राजा थे ना वो राजा कौन थे, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी थे। तो उदय सिंह जी की तो 1572 में मृत्यु हो गई, इसलिए उदय सिंह ने है ना महाराणा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उदय सिंह के बाद में भावी शासक कौन बने, महाराणा प्रताप बने। महाराणा प्रताप का कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किका था। किका एक बच्चे का शब्द सूचक है, भीलों के छोटे पुत्रों को क्या कहते हैं, किका कहते हैं। महाराणा प्रताप भीलों के छोटे जो बच्चे होते थे उनके साथ में खेलते थे, इसलिए क्या कहा जाता है, किका वंश का बचपन नाम है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप भावी शासक बने और महाराणा प्रताप बहुत अच्छे वीर थे, इसलिए महाराणा प्रताप शासक बने तो अकबर को लगा, बोलो कैसे ना कैसे करके और मेवाड़ राज्य मेरा अधीन आना चाहिए और मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करने चाहिए। इसलिए अकबर ने चतुराई से काम लेते हुए और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए चार प्रकार के शिष्टमंडल भेजे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुनते रहिएगा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा भेजे गए चार शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे गए चार शिष्टमंडल पहले की बात करते हैं। पहला जो गया था ना उसका नाम है जलाल खां कोची। क्या नाम है, जलाल खां कोची। जलाल खां कोची को भेजा था 1572 में। जलाल खां कोची को 1572 में भेजा, महाराणा प्रताप इससे नहीं समझा, इसलिए जलाल खां कोची महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। नवंबर 1572 की बात है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बार जिस आदमी को भेजा समझाने के लिए महाराणा प्रताप को, वो आपको पता ही है मान सिंह जी प्रथम थे, और मान सिंह प्रथम को भेजा था जून 1573 में। मान सिंह प्रथम अकबर के सबसे बड़े विश्वास पात्र थे, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मान सिंह प्रथम राजस्थान का एकमात्र राजपूताने का शासक था जो अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि मान सिंह प्रथम को अकबर जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजता है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मान सिंह प्रथम को अकबर ने जब भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, तो मान सिंह प्रथम जो थे वो मर्दाना हाथी लेकर के मेवाड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे महाराणा के पास पहुंचे तब शाम के 3 बज चुके थे। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मान सिंह प्रथम जब मेवाड़ पहुंचे महाराणा प्रताप से मुलाकात करने के लिए, तब तक शाम के 3 बज चुके थे, इसलिए महाराणा प्रताप और मान सिंह प्रथम की मुलाकात नहीं होती है। पर इतना जरूर है कि मान सिंह जो प्रथम है इनकी और महाराणा प्रताप की मुलाकात नहीं होती है, पर महाराणा प्रताप ने मान सिंह को एक बात लिख करके भिजवाई थी, बोले हे राजन अब तो शाम हो गई है और जैसे ही सुबह, अब तो वार्तालाप होगी नहीं, जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। इतना कहकर के महाराणा प्रताप तो महलों की तरफ चले गए। मान सिंह प्रथम फिर शाम के समय में जैसे ही मान सिंह प्रथम वहां रुके, तो रुकने के लिए जैसे प्रथम रुके तो इसके लिए भोजन की आवश्यकता आयोजन करवाया गया। मान सिंह प्रथम के लिए भोजन का आयोजन करवाया गया, पर भोजन के आयोजन में महाराणा प्रताप खुद नहीं आया। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह जी प्रथम को भेजा, बोले आप जाओ, मान सिंह जी आए हुए हैं और उनको आप खाना खिला करके आओ। अमर सिंह जी प्रथम आया, मान सिंह प्रथम ने कहा अमर सिंह जी प्रथम को, बोले आप अभी छोटे हो और हमारे साथ आप खाना नहीं खा सकते, आपके पिताजी को बुला करके लाओ। तब अमर सिंह प्रथम के बोले पिताजी सिर दर्द करे। मान सिंह प्रथम कहता है अमर सिंह को, बोले आप अपने पिताजी को बुला करके लाओ। तब अमर सिंह प्रथम ने कहा, बोले पिताजी को सिर दर्द करे। फिर इस बात से मान सिंह प्रथम को गुस्सा आ जाता है और मान सिंह प्रथम कहता है, बोले ठीक है आपके पिताजी को कहना कि सिर दर्द की आपके जो पिताजी का जो टेबलेट है सिर दर्द के लिए वो मैं हल्दी घाटी युद्ध में लेकर आऊंगा। आप पिताजी को कहना कि आप वहां पर हल्दी घाटी युद्ध में तैयार रहें। अमर सिंह भी के कम हो, अमर सिंह कह दियो
जानते जानते मान सिंह प्रथम ने बोलो ठीक है, तू हल्दीघाटी युद्ध में मेरे बाप के सिर दर्द वास्ते टेबलेट ले रहा है नी, तो तू आन तो हल्दीघाटी युद्ध में तेरे भूपन भी सागे लिए अकबर ने, ठीक है, ताकि आपका जो बार बार अधीनता स्वीकार करने का जो कीड़ा है ना उसको मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए दोनों के बीच में इस प्रकार की बहस होती है। मानसिंह जी प्रथम जैसे ही यहां पर आग बबूला होकर के मेवाड़ से आगरा की तरफ जाते हैं और जाकर अकबर को कहते हैं, बोले जहां पना अगर आपने मेरे हाथ में टेढ़ी तलवार दी है तो सीधा करने के लिए बंदा क्यों नहीं दिया। तो मानसिंह प्रथम इस प्रकार के जाकर के अकबर के सामने संबोधित होता है। तो दूसरी बार दूत किसको भेजा शिष्टमंडल में, मानसिंह प्रथम को 1573 में, पर यह भी महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहे, असफल रहे। तीसरी बार किसी आदमी को भेजा गया तो वो कौन है, मानसिंह प्रथम के पिताजी थे जिनका नाम भगवंत दास को भेजा गया, कब, सितंबर अक्टूबर 1573 में। भगवंत दास मानसिंह जी प्रथम के पिताजी थे और भगवंत दास जो थे ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जब मेवाड़ आते हैं तो महाराणा प्रताप ने बहुत ही अच्छा जवाब इनको दिया, बोले आप वही तो व्यक्ति हो जिन्होंने अकबर के कहने से आपने चित्तौड़ पर कत्लेआम करवाया था और आज आप कहते हो, बोले मैं उस आदमी की अधीनता स्वीकार कर लूं, मैं नहीं आज करूंगा नहीं कल करूंगा। इस प्रकार का भगवंत दास को स्पष्ट जवाब मिलता है, तो भगवंत दास जैसा गया था वैसा वापस आ गया, यानी महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। लास्ट बार यानी चौथी बार जिस आदमी को भेजा उसका नाम है टोडरमल। क्या नाम है, टोडरमल। टोडरमल गया था दिसंबर 1573 में। टोडरमल वाकपटु आदमी था, बहुत चालाक आदमी था, चालाक मतलब छोटो कद मोटी बात जका जका मुंह पर बहुत जोरदार पड़े करे। तो टोडरमल जो है ना ये महाराणा प्रताप को समझाने से पहले इन तीनों से पूछता है, बोले थार में के बीती, बोले मार में घनी माड़ी बीती, तो बोले मेरे में इसी बीच सी, बोले हाँ इसी बीच सी, थोड़ी बात कम करी नहीं तो। तो टोडरमल डरते डरते, पर अकबर का ऑर्डर है जाना तो पड़ेगा, इसलिए टोडरमल अकबर के दरबार में है ना, अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री था। भारत में सबसे पहले अगर कोई जरीब का जनक है तो कौन है, टोडरमल ही तो है। तो टोडरमल महाराणा प्रताप को समझाने के अंतिम समय में जाते हैं दिसंबर 1573 में, पर टोडरमल गए महाराणा प्रताप को कहते हैं, टोडरमल जी बोलो आप मेरी बात सुन, आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो और वो भारत के बहुत बड़े सम्राट है, आप यहाँ क्यों बैठे हो अकेले, आप अधीनता स्वीकार कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ महाराणा प्रताप जी, मैं आपको बताता हूँ कि उस अधीनता स्वीकार करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होंगे। महाराणा प्रताप मर्या तो दौड़ जो जा टिक्यो तीन थड़ी। टोडरमल को बहुत अच्छा जवाब मिला और उसके बाद टोडरमल भी महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। कहने का मतलब अकबर के द्वारा भेजे गए चार शिष्टमंडल आखिरकार महाराणा प्रताप को समझाने में जब असफल हो गए, असफल होने के बाद में अकबर को इस बात का एहसास तो हो गया था कि महाराणा प्रताप कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, इसलिए एक ही कारण बचा था कि अब प्रेम पूर्वक हमने महाराणा प्रताप को समझा करके देख लिया, अब महाराणा प्रताप अगर नहीं समझाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, युद्ध। और उस युद्ध का नाम आपको सभी को पता है, हल्दीघाटी का युद्ध। बहुत अच्छा वीर था महाराणा प्रताप, आज ये राजस्थान में नहीं है महाराणा प्रताप, पूरे भारत में पूजा जाता है महाराणा प्रताप। जननी जने तो ऐसा जने, याद आता या सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ीर मती गमाई जे नूर। तो महाराणा प्रताप बहुत अच्छे वीर थे, हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो चार जो शिष्टमंडल भेजे, इन ये चार शिष्टमंडल भी महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रह गए, असफल रह गए। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या हुआ, तो आगे एक युद्ध की बात करेंगे, इस युद्ध का नाम है हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ ये हुआ था 18 जून या फिर आप 21 जून 1576 एक ही ऐसा इतिहासकार है जो 21 जून मानता है, वो गोपीनाथ शर्मा है, बाकी सारे कहते हैं बोलो 18 जून को ये युद्ध हुआ था, तो आपको 18 जून ही इसको मान के चलना है। हल्दीघाटी कहाँ पड़ता है सर, तो हल्दीघाटी पड़ता है राजसमंद में। हल्दीघाटी कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में। हल्दीघाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ तो कोई समस्या नहीं है, एक तरफ तो अकबर होगा और दूसरी तरफ कौन होगा, महाराणा प्रताप। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो अकबर, पर अकबर की सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, हम कहेंगे मानसिंह जी प्रथम। तो कोई बड़ी बात नहीं है,
थी तो एक तरफ मुगल सेना, मुगल सेना का अपन कहेंगे मुगल सम्राट कौन था, महाराणा अकबर था, सम्राट अकबर। और सम्राट अकबर का हल्दीघाटी युद्ध में कोई नेतृत्व कर रहा था तो अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन कर रहा था, मान सिंह जी प्रथम। एक तरफ मान सिंह जी प्रथम है और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वो कौन है, महाराणा प्रताप है। अकबर का एक राजस्थान में दुर्ग बनाया हुआ है, उस दुर्ग का नाम है मैगजीन दुर्ग। तो अकबर जो है इस मुगल सेना का जो प्रशिक्षण देने का काम किया हल्दीघाटी युद्ध का, वो किस में किया तो अपन कहेंगे मैगजीन दुर्ग। तो अपन थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा यानी एक तरफ से तो रूपरेखा कौन बनाएगा, अकबर बनाएगा, एक तरफ से रूपरेखा कौन बनाएगा, महाराणा प्रताप बनाएगा। तो एक तरफ से रूपरेखा जो जिसने बनाई हल्दीघाटी युद्ध की अकबर ने, किस दुर्ग में, तपन कहेंगे मैगजीन दुर्ग में। एक तरफ मैगजीन दुर्ग कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, निर्माण किसने करवाया, सम्राट अकबर ने करवाया, इसलिए मैगजीन दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो पूर्ण का पूरा मुस्लिम शैली बना वो कौन सा दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग। तो अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना जो थी मैगजीन दुर्ग में बनाई, अपने वाले यानी महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना जो थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। कौन से दुर्ग में बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग, क्योंकि मेवाड़ राजाओं का तो प्रमुख दुर्ग कौन सा था, कुंभलगढ़ दुर्ग था। इसलिए तो अकबर ने तो इस हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा मैगजीन दुर्ग अजमेर में, अपने वाले ने कहां बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के राजसमंद में। अकबर ने मानसिंह प्रथम को हल्दीघाटी युद्ध की बागडोर देकर के और यहां से सेना को प्रशिक्षण देकर के रवाना कर देता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अकबर जो था इसने मानसिंह प्रथम को हल्दीघाटी युद्ध की बागडोर देकर के, और एक व्यक्ति और था, उस व्यक्ति का नाम है आसफ खान। ये प्रश्न कई बार आया है, आसफ खान का, कि अकबर ने मानसिंह प्रथम को हल्दीघाटी युद्ध की तरफ भेजता है, पर मानसिंह प्रथम का सहयोगी अगर किसी को साथ भेजता है तो उसका नाम क्या है, आसफ खान है। कोई बात नहीं है, मैगजीन दुर्ग अजमेर से अकबर यानी मुगल सेना रवाना हो जाती है। आगे आगे मानसिंह प्रथम इस मुगल सेना का नेतृत्व करता और पीछे पीछे मुगल सेना अजमेर से रवाना होकर के, और पहला जो मुगल सेना पड़ाव रखती है ना, वो पड़ाव कौन सा है, मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो है ना, ये मांडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ में जाकर के और अपन कहेंगे कि मुगल सेना का ठहराव करता है पहली बार मानसिंह प्रथम, क्योंकि मानसिंह प्रथम को इस बात का पता था, बोले महाराणा प्रताप की जो सेना है ना, ये सेना तो पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध में निपुण है, पर अपने वाली सेना तो पहाड़ी क्षेत्र में निपुण नहीं है। इसलिए यहाँ मांडलगढ़ में जाकर के मानसिंह जी अजमेर से चलकर मांडलगढ़ में जाकर के अपनी सेना को विराम देता है, 21 दिन तक यहां पर प्रशिक्षण देता है अपनी सेना को। और इस तरफ से अपन कहेंगे कि मुगल सेना जो थी मानसिंह प्रथम अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़ जाकर के रुक गया पहला पड़ाव, और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से रवाना होकर के पहला पड़ाव कहां रखेगा, गोगुंदा। कहां रखा था इसने, गोगुंदा में रुक गया। मानसिंह प्रथम मांडलगढ़ रुक गया तो महाराणा प्रताप गोगुंदा में रुक गया। 21 दिन प्रशिक्षण दिलवाने के बाद मांडलगढ़ से रवाना होता है मानसिंह प्रथम, किस जगह यानी किसके लड़ने के लिए, महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। तो अकबर या मुगल सेना का अंतिम जो पड़ाव था ना, वो अंतिम पड़ाव था मोलेला गांव। कौन सा गांव था, मोलेला गांव। मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है। हमारा महाराणा प्रताप का अंतिम पड़ाव था ना, उसका नाम है लोहासी गांव। कौन सा गांव, लोहासी गांव। कौन सा गांव, लोहासी गांव। अब लोहासी गांव और मोलेला गांव दोनों के बीच में कौन सी जगह पड़ गई, हल्दीघाटी। घाटी का मतलब दोनों तरफ पर्वत है, हल्दी का मतलब हल्दी रंग की यहाँ की भूमि, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हल्दीघाटी। इसको रक्त तलाई भी कहते हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अंतिम पड़ाव मुगल सेना का मोलेला गांव में, और दूसरी तरफ अंतिम पड़ाव महाराणा प्रताप का लोहासी गांव में। एक बार थम लगा करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइएगा। आवाज साफ आ रही है, मेरी पिक साफ आ रही है तो बताइएगा। योगराज पवार, वाह क्या बात है सर जी, थैंक यू आपको। सुभाष चौधरी बीकानेर, सुभाष नाइस गुरु जी बिल्कुल। देवीदान, देवीदान चारण, हाँ बिल्कुल। चंपालाल चौधरी बिल्कुल ठीक है। सोनाराम जी थैंक्स सर जी। राकेश नायक, नाइस सर जी। हाँ बिरबल जानी बिल्कुल। सीताराम भाकर यस सर। रमेश प्रजापति यस। सुभाष चौधरी बीकानेर, सुभाष यस। सुमित गोदारा बिल्कुल।
समझ में आ रहा है सर, राकेश नायक बिल्कुल, श्री गंगानगर वाले जोरदार, बिल्कुल श्री गंगानगर वाले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और अब अपन लोग आगे चलते हैं टॉपिक पर, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो एक तरफ तो मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम हल्दीघाटी युद्ध में कर रहे हैं, और मानसिंह प्रथम को हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार करवा करके अकबर मानसिंह को मैगजीन दुर्ग अजमेर से रवाना करता है, अपने वाला कुंभलगढ़ से रवाना हो जाता है। आगे जाकर के मानसिंह को इस बात का डर लगा, बोले महाराणा प्रताप की सेना तो ये युद्ध के अंदर निपुण है, पहाड़ी क्षेत्र में अपने वाली तो नहीं है, इसलिए मांडलगढ़ के जाकर के रुकाव कर दिया। इसका मतलब मुगल सेना का हल्दीघाटी युद्ध में पहला पड़ाव मांडलगढ़, अपने वाला भी रुक गया कहां पर, गोगुंदा। उसके बाद बात करें मुगल सेना का अंतिम पड़ाव मोलेला गांव, अपने वाले का अंतिम पड़ाव लोहासी गांव, बीच में कौन सी घाटी आ गई, तो अपन क्या कहेंगे, हल्दीघाटी। आगे चलते हैं, आगे के अपन लोग अगर बात करें कि महाराणा प्रताप जो था, ये महाराणा प्रताप के सामने अकबर सेना का अगर कोई नेतृत्व, यानी मुगल सेना का अगर कोई नेतृत्व आदमी कर रहा है, तो उस आदमी का नाम क्या है, अपन कहेंगे मानसिंह जी है। मानसिंह इस हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा है, तो मानसिंह के पास में एक हाथी था, उस हाथी का नाम है मर्दाना हाथी। यहां से प्रश्न लास्ट ईयर रेट में आया भी था, मानसिंह प्रथम किस हाथी पर बैठा है हल्दीघाटी युद्ध में, तो मर्दाना हाथी पर। महाराणा प्रताप के पास में तो एक घोड़ा था जिसका नाम है चेतक। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का था, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े, गुजरात के अंदर अपन बात करें तो महाराणा प्रताप के पास में तो चेतक, और अपन बात करें मानसिंह प्रथम के पास में कौन सा हाथी था, तो अपन क्या कहेंगे, मर्दाना हाथी था। मुगल सेना के पास में दो हाथी और भी थे, एक का नाम तो था गजराज और एक का नाम था गजयुक्त। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मुगल सेना के पास में हाथी और भी थे, पर मुगल सेना के पास में दो हाथी अन्य भी थे, एक का नाम गजयुक्त है और दूसरे का नाम है गजराज। महाराणा प्रताप के पास में भी हाथी थे दो, एक का नाम तो क्या कहेंगे अपन, लूणा हाथी था और दूसरे का नाम है राम प्रसाद। ये राम प्रसाद जो हाथी था ना, ये बहुत समझदार हाथी था। हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना को बहुत मुश्किल से इस हाथी को कंट्रोल करके पकड़ कर लेकर आए थे, तब अकबर ने इस हाथी को देख करके कहा था, बोले ये हाथी मुझे पीर की कृपा से मिला है, इसलिए राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने क्या कर दिया, पीर प्रसाद कर दिया था। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस हल्दीघाटी युद्ध में अगर अपन बात करें, युद्ध कोई भी हो, चाहे वो हल्दीघाटी का हो, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, तो अपन लोग अगर बात करें युद्ध के अंदर है ना, सेना के दो भाग माने जाते हैं। जिस प्रकार से ये देखिएगा, एक युद्ध अपन बात करें तो ये पश्च जो भाग है ना, इसको चंडावल कहते हैं। क्या कहते हैं, चंडावल। और अग्र भाग है ना, इसको क्या कहते हैं, हरावल कहते हैं। अगर जो भाग है ना, इस भाग को क्या कहा जाता है, हरावल कहा जाता है। हरावल, इसको अरावल कहा जाता है। अगर भाग यानी आगे का भाग, और पीछे का भाग जो है ना, उसको चंडावल कहते हैं। बीच का जो भाग होता है ना, इस भाग को ढोलान कहते हैं। क्या कहते हैं, ढोलान कहते हैं। तो अपन बात करें कि महाराणा प्रताप की तरफ से अगर भाग यानी अरावल सेना का कोई नेतृत्व कर रहा था, तो उसका नाम है हकीम खां सूरी। क्या नाम है, हकीम खां सूरी। और इधर से अकबर की सेना में अगर अरावल सेना का कोई नेतृत्व कर रहा है, तो वो है मानसिंह जी प्रथम। यानी अकबर की सेना में अरावल का मत, हाँ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप वापस बने रहिएगा और थम लगा के बताइएगा, आवाज आ रही है क्या, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो समा चाहूंगा मैं आपसे, और वापस आप बने रहिएगा और वापस अपन आगे शुरू करते हैं, जहाँ से अपन रुके थे वहीं से चल रहे हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुए, तो आगे बताइएगा आप लोग कि आवाज़ आ रही है क्या। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं, सभी का कमेंट आ रहा है, ठीक है, हाँ आवाज़ आ रही है बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, देखिएगा कोई भी युद्ध होना, इस युद्ध में दो भाग अवश्य आप लोग याद रखना, एक तो अरावल सेना का भाग होता है, एक सेना का भाग कौन सा होता है, चंडावल होता है। अरावल तो होता है अग्र भाग यानी पहला जो सेना का आगे का भाग। तो महाराणा प्रताप की सेना में अरावल सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, हकीम खां सूरी। मैं आपको यह भी बता देता हूं
कि खानवा का युद्ध जब हुआ 17 मार्च 1527 को, उसमें राणा सांगा का जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति, तो उसका नाम है हसन खां मेवाती, जो मेवात प्रदेश के थे। महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है? हकीम खां सूरी है, हल्दी घाटी युद्ध में। इस महाराणा प्रताप की सेना की जो चंडावल जो भाग था, चंडावल का मतलब हम कहें पीछे का भाग, तो महाराणा प्रताप की सेना में चंडावल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था ना, उसका नाम था राणा पूंजा। पूंजा भील है भैया, पूंजा क्या है? भील है। ये एकमात्र ऐसा सैनिक, ये भीलों का वाद जिसके आगे राणा की उपाधि लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बात, हम लोग अगर कहेंगे कि महाराणा प्रताप की अरावल सेना का नेतृत्व तो हकीम खां सूरी, चंडावल सेना का नेतृत्व तो अगर बात करें तो राणा पूंजा, और बीच की जो सेना थी ना उसको क्या कहते हैं? डोलान। डोलान सेना का नेतृत्व तो महाराणा प्रताप की सेना पर कौन कर रहा था? महाराणा प्रताप खुद कर रहे थे, चेतक पर सवार थे। आगे चलते हम लोग, तो अपन बात करें इस मुगल सेना में, तो मुगल सेना के अंदर जो अरावल सेना जो थी, अरावल सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? मानसिंह प्रथम। और अगर जो यानी चंडावल जो सेना थी ना, इसका नेतृत्व जो कर रहा था ना, उसका नाम है आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। और प्रथम यानी अगर भाग जो सेना थी, उसका सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह जी प्रथम। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का, अरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी, डोलान सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप की सेना महाराणा प्रताप खुद थे, चंडावल का मतलब पीछे की जो सेना का भाग होता है उसका राणा पूंजा। इस प्रकार की तो महाराणा प्रताप की सेना है। और दूसरी बात करें कि मुगल सेना के अंदर अगर यानी चंडावल अरावल सेना का नेतृत्व तो मानसिंह जी प्रथम, और चंडावल का कर रहा था आसफ खां। एक बात प्रश्न ये भी पूछ लेना कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति या कमांडर कौन था? तो कमांडर कौन था? आसफ खां, जो सेना को पीछे से कमांड देने वाला। तो इस प्रकार अपन लोग आगे चलते हैं, आप लोग सुनते रहिएगा, अब मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा और आप बने रहिएगा। और सबसे ज्यादा वापस अपन उतने ही लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस आज की वीडियो को। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। महाराणा प्रताप हम लोग पढ़ रहे हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो देखिएगा, इस तरफ तो अपन बात करें कौन सी सेना थी, तो अपन कहेंगे कि मुगल सेना थी। इस तरफ अगर बात करें तो कौन सी सेना थी, तो अपन कहेंगे ये सिसोदिया सेना थी। और सिसोदिया सेना के कितने भाग थे, तो अपन कहेंगे सिसोदिया सेना के 3 भाग थे। इसका मतलब चंडावल का मतलब पीछे का, तो यहाँ तो कौन खड़ा है? राणा पूंजा खड़ा है। दूसरी बात, बीच का कौन खड़ा है? तो महाराणा प्रताप खड़ा है। हकीम खां सूरी कहाँ है? आगे ही आ गए हैं, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी। और मुगल सेना 2 भागों में इधर आगे ही आगे कौन है, तो अपन कहेंगे मानसिंह जी प्रथम है, मानसिंह जी प्रथम। और पीछे पीछे कौन है, तो अपन क्या कहेंगे? आसफ खां है। कौन है? आसफ खां। मानसिंह प्रथम किस हाथी पर बैठे है, तो अपन कहेंगे ये मर्दाना हाथी पर है। और दूसरी बात, हम लोग अगर करें बात, मानसिंह प्रथम तो मर्दाना हाथी पर है, और महाराणा प्रताप जो थे ये किस हाथी पर थे? चेतक। अब आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। सर आवाज नहीं आ रही है, ढोलान बिल्कुल बुक्स ही पढ़ ले, कौन है? हाँ हाँ, श्री गंगानगर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दोबारा बने रहिएगा और आप देखते रहिएगा, अब मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताने वाला हूं। तो इस प्रकार की सिसोदिया सेना की 3 भाग बंटे हुए। अपन बात करें कि सिसोदिया सेना के अंदर पश्च भाग का नेतृत्व राणा पूंजा कर रहा है, डोलान सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे हैं, और अग्र भाग का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? अरावल का हकीम खां सूरी। इधर से मानसिंह जी प्रथम अरावल सेना का, और चंडावल खां का आसफ खां। हुआ क्या, जैसे युद्ध आमने सामने सेना होती है ना, तो सेना के अंदर सबसे पहले हकीम खां सूरी ने मुगल सेना पर प्रहार किया। हकीम खां सूरी का प्रहार इतना अच्छा था, इतना अच्छा प्रहार था कि इसके एक ही प्रहार में मुगल सेना जो लड़ रही थी उसका चेहरा जो था वो पलट गया। यानी मुगल सेना इस हकीम खां सूरी के प्रहार से वापस मुड़ जाती है। जैसे ही मुगल सेना हल्दी घाटी युद्ध को पहले प्रहार में वापस मुड़ रही थी ना, तभी एक आदमी था, उस आदमी का नाम है मीतर खां। क्या नाम था? मीतर खां। ये अकबर की तरफ से आया था। मीतर खां जो था ना, मीतर खां ने इस बात को देखा, बोले ये तो गलत हो गया, क्योंकि अकबर तो खुद थे नहीं हल्दी घाटी युद्ध में,
तब इस मेहतर खान ने भागती हुई मुगल सेना को आवाज लगाई, बोले अकबर आ गया। जैसे ही मुगल सेना पहली बार में हल्दीघाटी युद्ध से भाग रही होती है, तब भागती हुई सेना के ये आवाज सुनाई दी, बोले सम्राट अकबर आ गया। इसका मतलब ये सेना जो भागती हुई सेना वापस क्या तो हल्दीघाटी का युद्ध छोड़ रही थी और अकबर का नाम सुनकर के वापस हल्दीघाटी युद्ध में आकर के डट गई। अब हम लोग अगर बात करें, वापस डट गई, हकीम खां सूरी ने वार किए और करते करते महाराणा प्रताप जो थे बीच में खड़े थे सिसोदिया अपनी सेना के, और महाराणा प्रताप ने लगाई चेतक की एड़। महाराणा प्रताप का जो चेतक था वो बहुत समझदार था, चेतक की एड़ लगाती महाराणा प्रताप और चेतक दोनों आए तो चेतक को एड़ लगाती, चेतक समझदार था। मर्दाना हाथी पर मान सिंह जी प्रथम बैठे हैं तो चेतक ने अपने दोनों आगे वाले जो पैर थे वो मर्दाना हाथी के सूंड पर रखे और महाराणा प्रताप ने भाला मारा तो हाथी को जो चलाने वाला था, हाथी पर एक इस प्रकार की एक चारपाई सी बनी होती है, हाथी को चलाने वाला था वो तो खत्म हो गया, पर इस मान सिंह प्रथम जो था ना ये उस जो चारपाई थी ना उसके होदे में छुप गया। महाराणा प्रताप ने भाला वापस निकाला तो पूरा खून से लथपथ था। महाराणा प्रताप ने सोचा कौन मर गया, मान सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप ने भाला वापस निकाल करके और उसके बाद में चेतक की वापस एड़ हटाते हैं तो चेतक जैसे ही मर्दाना हाथी के सूंड पर जो दो पैर रख रखे थे वापस एक पैर को हटाया तो मां हटाते हुए पैर के मर्दाना हाथी के सूंड के चारों तरफ तलवारें बंधी हुई थी, उन तलवारों से चेतक का क्या कट गया, पैर कट गया। पर चेतक ने महाराणा प्रताप को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, पर इस दृश्य जो ये दृश्य था ना भी चेतक का जो मर्दाना हाथी के सूंड से पैर हटाते समय पैर कट गया था इस दृश्य को देख लिया था जाला बीदा ने। किसने देख लिया, जाला बीदा, राजस्थान पुलिस 2011। चाहे तो जाला बीदा कहे चाहे जाला मान कहे, जाला बीदा या जाला मान ने इस दृश्य को देख लिया, बोले चेतक का पैर कट गया है, चेतक घड़ी दो घड़ी का है, महाराणा प्रताप पर सेना सारी मुगल सेना टूट पड़ेगी। इसलिए चेतक ने इस बीदा ने सोचा, बोले आज मेरा भी एक वक्त है, मेरा भी एक समय है कि मैं मेवाड़ के स्वामी को आज बचाऊं। इसलिए बीदा भाग करके जाता है महाराणा प्रताप के पास, बोले हे राजन आपके चेतक का पैर कट गया है, आप इस युद्ध को छोड़कर के बाहर भाग जाइएगा और आपका मुकुट मुझे दे दीजिएगा। इसलिए हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था, जाला बीदा या फिर जाला मान ने धारण किया। और महाराणा प्रताप चेतक को लेकर के जैसे ही हल्दीघाटी युद्ध से रवाना होते हैं, महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध से रवाना होकर के और जैसे ही आगे एक नाला आता है, उस नाले का नाम है बनास नदी कह दो, अभी तो हम लोग उसको नदी कहते हैं, उस समय नाले की बात चलती थी। तो बनास नदी के पास में जाते हैं, जैसे ही महाराणा प्रताप इस युद्ध को छोड़कर के आगे की तरफ बढ़ते हैं तब दो मुगल सेनापति महाराणा प्रताप का पीछा कर लेते हैं। इस दृश्य को देख लिया था महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, जो शक्ति सिंह जो था ना ये शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, इसने इस बात को देख लिया, बोले महाराणा प्रताप के दो मुगल सेनापति है हमारे वाले, उन्होंने मेरे भाई का पीछा कर लिया, चेतक घायल है, चेतक थोड़ी दूर के बाद में जाने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए शक्ति सिंह से फिर रहा नहीं गया, भाई भाई होता है, तो शक्ति सिंह मुगल सेना का साथ छोड़कर के जो सेनापति मुगल सेनापति महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे उनका पीछा करके उन दोनों को खत्म कर दिया। इसलिए गिरधर आस या सगत रासों में ये लिखता है, बोले हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का चेतक खत्म होने के बाद घोड़ा किसने दिया, तो शक्ति सिंह ने दिया था जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। बनास नदी के पास में जाकर के चेतक तो गिर गया और चेतक जब गिरा ना तब महाराणा प्रताप कहते जिंदगी में कभी रोया नहीं, पर अपन बात करें कि महाराणा प्रताप कभी रोया नहीं पर चेतक को गोद में लेकर के महाराणा प्रताप उस वक्त रोता है। और महाराणा प्रताप की इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप सूरवीर था पर चेतक का क्या चला गया, साथ चला गया। इसलिए हम लोग अगर बात करें कि महाराणा प्रताप जो थे वो बनास नदी जो थी, बनास नदी के पास में चेतक घायल हो जाता है और महाराणा प्रताप चेतक को गोद में लेकर के और उसके बाद में महाराणा प्रताप चेतक को समझा रहे हैं। देखिएगा चेतक एक जानवर है, महाराणा प्रताप चेतक को समझा रहे हैं। मैं आपको दो पंक्ति यहाँ सुनाना चाहूंगा, बाकी हम लोग आज टाइम आपने को इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे बाद में देवीदान सर की क्लास होगी तो मेरे को टाइम इजाजत नहीं दे रहा, मैं दो पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। कल हम लोग मैं गीत भी सुनाऊंगा चेतक का और महाराणा प्रताप की जो शौर्य वीर गाथाएं हैं वो भी मैं सुनाऊंगा पूरी, तो एक दो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूं।
कि उस वेला महाराणा प्रताप ने जब चेतक को अपने गोद में लेकर के और चेतक को कहता है, सूत्यो काई रे चेतक जाग योद में पावन वेग ज्यू भाग बाईली ओर निभाल्या रे धरा की सेवा कर लिया रे। सूत्यो काई रे चेतक जाग योद में पवन वेग जू भाग दोस्ती ओर निभाल्या रे धरा की सेवा कर लिया रे। ये दो पंक्ति मैंने आपको सुनाई है, कल मैं पूरा आपको गीत सुनाऊंगा महाराणा प्रताप का। और मैं आपको एक एक पंक्ति, अगर आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं आपको एक और सुना देता हूं। चेतक को महाराणा प्रताप कहता है, बोले थोड़ा तू मेरा साथ और दे, थोड़ा सा तू मेरा साथ दे, तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर दूंगा। तो दूसरी पंक्ति में सुनिएगा, हे जे तू चेत करे चेतक तो फेरू तलवार बजा दिया, जे तू चेत करे चेतक फेरू तलवार बजा दिया, अरे दम तोड़ दिया अकबर को रे मेवाड़ी साख बचा लिया, अरे दम तोड़ दिया अकबर को रे मेवाड़ी साख बचा लिया, उठ जा उठ जा कर लिया रे दो दो हाथ के, उठ जा कर लिया रे दो दो हाथ मेवाड़ी बचा लिया आपा साख, जग में नाम कमास्या रे धरा की सेवा कर स्या रे। सूत्यो काई रे चेतक जाग योद में पवन वेग जू भाग दोस्ती ओर निभाल्या रे धरा की सेवा कर लिया रे। ये गीत मैं आपको पूरा कल सुनाऊंगा, हाँ मैं कल सुनाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस मेरे आज के वीडियो को और इसको आप शेयर कीजिएगा फेसबुक वगैरह पर। कल मैं आपको पूरा चेतक का गीत सुनाऊंगा। महाराणा प्रताप की दो पंक्ति मैं आपको सुना देता हूं, थोड़ी सी एक महाराणा प्रताप की जो वीर गाथाएं हैं, अगर आप सुनने के इच्छुक हैं ना तो आप कमेंट करके लिखिएगा कि महाराणा प्रताप के पक्ष में दो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक खत्म हो जाता है, महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव, कोल्यारी से कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से फिर पहाड़ियों में चले जाते हैं। महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। महाराणा प्रताप का देखिएगा कवि की कलम में कितनी ताकत है। हमारे सुजानगढ़ में जन्मे कन्यालाल सेठिया ने एक पंक्ति लिखी, एक बुक लिखी थी, पाथल और पीथल। पाथल महाराणा प्रताप को और पीथल पृथ्वी सिंह जी राठौड़ हमारे बीकानेर के को संबोधित करके, और एक लिखी पुस्तक, उसकी दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरी हमें कल सुनाऊंगा क्योंकि टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, बाकी फिर भी मैं दो बात सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप जब जंगलों में भटक रहे थे, घास की रोटी बनाई और अमर सिंह जी साथ में है, और उसके बाद में घास की रोटी बनाकर, जैसी घास की रोटी तैयार, वो राजा जिसने सोने के बाजोटों में चांदी की थालियों में भोजन किया और उसने घास की रोटी बनाई, बन का बिलाव एक आया जानवर वो रोटी लेकर के भाग गया, क्या बीती होगी उस महाराणा प्रताप पर। तो दो पंक्ति सुनाना चाहता हूं मैं, दो। हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलाव डोले भाग्यो, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलाव डोले भाग्यो, नानो सोया मर्यो जी चीख पड़ो जद राणा रो सोयो दुख जागो, जद राणा रो सोयो दुख जागो, हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाच नहीं राखी, रण में बेरा रो खून बहावण ने, जद याद करूं जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे। महाराणा प्रताप टूट गया था। मैं कल आपको सौर्य वीर गाथाएं पूरी सुनाऊंगा, तो आप सबसे ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा और सबसे ज्यादा मेरे वीडियो को आप फेसबुक वगैरह पर लगाइएगा। और एक मैं आपको कल चेतक का गीत भी सुनाऊंगा, महाराणा प्रताप की आगे की जो कहानी है हम भी वो लोग पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट करके और आप लिख करके मुझे बताइएगा कि मेरा गीत जो था शुरुआती वो कैसा लगा, महाराणा प्रताप की पंक्ति कैसी लगी, और महाराणा प्रताप को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। रमेश कुमार प्रजापति यस, जुगल सिंह यस, हरिओम सिद्ध वेरी गुड, सोनाराम यस, दिनेश विश्नोई बिल्कुल सही है, घनश्याम कुकणा
वाहे वाहे, बिल्कुल आपको भी वाहे वाहे। अनुज दायल, थैंक्स सर। कोजाराम गजब, कूकना बिल्कुल। गणेश आराम कूकना। रमेश कुमार प्रजापति बिल्कुल। बलराम जानी, हाँ। सोनाराम बहुत अच्छा। गणेश कूकना नाइस। राम राम कन्या शर्मा गजब था सर। बिरबल जानी, सोनाराम, किरण बिश्नोई बहुत अच्छा। पूनम सिद्ध ओके, थैंक यू सो मच। और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, कल मैं आपको यही महाराणा प्रताप लेकर के कल 11 बजे उपस्थित होऊंगा। और ठीक है, सुनते रहिएगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।